अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो गुज़श्ता तकरीबन सारी टेस्टों में आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। उस क्वेश्चन पे मैं आपको बताऊंगा कि आप उस क्वेश्चन की तैयारी करके और आप टेस्ट इजीली क्लियर कर सकते हैं। बेसिकली हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फादर कौन है। कंप्यूटर का फादर बेसिकली चार्ल्स बेबेज, जो इसका सही आंसर है वो चार्ल्स बेबेज है। और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, इफ़ ए कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ आल्सो नोन एज, अगर एक कंप्यूटर हो उसका एक से ज़्यादा प्रोसेसर हो तो हम उस प्रोसेसर को क्या कहते हैं, उस कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, कौन सी ज़बान में उसका लफ्ज़ देते हैं। बेसिकली उसको हम मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। मल्टी क्योंकि उसका एक नहीं एक से ज़्यादा है तो हम उसको मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। और दूसरा रहा है क्वेश्चन से, डब्ल्यू डब्ल्यू स्टैंड फॉर भी, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी गुज़श्ता तकरीबन सारी टेस्टों में आ रहा है। डब्ल्यू डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। और अब आ रहा है क्वेश्चन दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है, वाट ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस डॉस का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम से है, इनमें से बेसिकली GUI भी नहीं हो सकता क्योंकि GUI में एक से ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम, और कमांड लाइन इंटरफेस ये MS-DOS ही कहलाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन आंसर सही जो होगा वो कमांड लाइन इंटरफेस होगा। और अब दूसरा आ रहा है क्वेश्चन, वन गीगाबाइट बेसिकली 1 GB इक्वल टू 1 GB 1 GB बराबर होती है 1024 MB, मतलब 1 MB के बराबर होती, सॉरी 1 GB इतनी MB के बराबर होती है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम्स, एनी कोई भी कंप्यूटर होता है उसका बेसिकली ब्रेन जो होता है, ब्रेन तो हम उसको CPU कहते हैं। CPU बेसिकली स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है CPU। और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU के वो कौन से कंपोनेंट्स हैं CPU के बेसिकली CPU के अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, ये दो चीज़ बेसिकली CPU के कंपोनेंट्स हैं। और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो मैं आपको क्लियर करूँगा। व्हिच वन इज द डिजिटल डिवाइस सिलेक्टेड फ्रॉम द चॉइस बिलो, इनमें से कौन सा कंप्यूटर जो है डिजिटल है। डिजिटल बेसिकली जो डिजिट फॉर्म में हो तो हम उसको डिजिटल कहते हैं। डिजिटल बेसिकली अब आ रहा है दूसरा क्वेश्चन, डिजिटल क्लॉक बेसिकल डिजिटल क्लॉक से व्हिच वन इज़ द फॉलोइंग डिवाइस सेलेक्ट फ्रॉम द चॉइस बिलो, इनमें से कौन सा डिजिटल फॉर्म का कंप्यूटर है, डिजिटल डिवाइस है। तो बेसिकली डिजिटल डिवाइस जो होता है डिजिटल क्लॉक जो डिजिट फॉर्म में डेटा देता है उसको हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स। और दूसरा आ रहा है बेसिकली क्वेश्चन नंबर है, ये द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड, उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। एक कंप्यूटर है जो दोनों फॉर्म में लेता है एनालॉग और डिजिटल फॉर्म में लेता, तो हम उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। बेसिकली ये हाइब्रिड कंप्यूटर का तीसरा टाइप है, और पहला टाइप है एनालॉग और दूसरा है डिजिटल, तीसरा है हाइब्रिड। तो ये दो कंप्यूटर मिलकर एक हाइब्रिड कंप्यूटर बनते हैं। दूसरा आ रहा है बेसिकली ALU बेसिकली हम ALU को कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक अर्थमेटिक होता है, दूसरा लॉजिक होता है जो डिजिट फॉर्म में अर्थमेटिक A+B जो भी करता है, और डिजिटल लॉजिकल यूनिट होता है एंड आर नॉट जो भी होता है, तो हम उसका ALU को कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, इसको हम ये नेटवर्किंग का फॉर्म है
वाइड एरिया नेटवर्क की वजह से इंटरनेट हो गई, which device is required for the internet connection, वो कौन सा डिवाइस है जिसमें हमारा रिक्वायर्ड होता है इंटरनेट का कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है। बेसिकली मोडेम्स के थ्रू हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, तो ये डिवाइस जो है मोडेम हो गया। और CAD बेसिकली कंप्यूटर एडिड डिज़ाइनिंग और कंप्यूटर एडिड ड्राफ्टिंग हम कहते हैं। कैड ऑटो कैड का जो होता है इससे कैड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, और ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट से जो तकरीबन सारी टेस्ट में आ रहा है गुज़श्ता, जंक ईमेल इज़ आल्सो नॉन एज जंक ईमेल को हम सम स्पैम भी कहते हैं, कि कभी कभी हमारे जंक ईमेल स्पैम में भी आते हैं, स्पैम में भी आता है मेल, तो हम उसको जंक मेल कहते हैं। बेसिकली वैन ए फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर एक फाइल है हमारा जो पहली बार हम उसको सेव कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इट मस्ट गिवन द नेम ऑफ आइडेंटिफायर, इसको जानने के लिए हमें नेम जो है ना इसका लाजमी देना पड़ेगा, तो बेसिकली इसका नेम होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।